नमस्कार दोस्तों, तो कैसा है आप सभी लोग? आप सभी लोग का स्वागत है एक और बार फिर हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 2 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स वीडियो आती हैं तो आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, तो वह है सेंटर हैज़ अप्रूव डैश स्टेट जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान। तो किस स्टेट का जल जीवन एनुअल एक्शन प्लान सेंट्रल ने अप्रूव किया है? तो इसमें से कौन सा स्टेट है वो? तो जो करेक्ट आंसर है वह इट इज़ ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ बिहार। तो सेंट्रल ने बिहार स्टेट का जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान अप्रूव किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बिहार। तो सेंट्रल हैज़ अप्रूव द बिहार जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान। ठीक है, सेंट्रल ने इसको अप्रूव किया है। एज़ पर द प्लान द स्टेट हैज़ प्रोवाइड 100% कवरेज ऑफ ऑल हाउस होल्ड विद अ फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन बाई 2021। तो इस प्लान के अंतर्गत क्या स्टेट जो प्रोवाइड करेगी 100% हाउस होल्ड को फंक्शनल टैप वाटर प्रेजेंट करेगी। ठीक है, द प्लान वॉज अप्रूव्ड बाई द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। जो प्लान ये अप्रूव किया है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति द्वारा। ठीक है, तो जो भी हम आज आपको करंट अफेयर बताएंगे तो उसका जो PDF का लिंक होगा आपको हम अपने WhatsApp ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो उस ग्रुप के लिंक में जुड़ के आप हमारी जैसी वीडियो अपलोड होती है उसके थोड़ी देर बाद वहां पर भी हम आपको PDF अपलोड कर देते हैं, वहां से आप PDF ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे WhatsApp ग्रुप के साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री करेंटली होल्ड द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। तो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी किस कंट्री ने होल्ड कर रखी है अभी करंटली? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डेट इज़ रसिया। तो रसिया ने करंटली ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी होल्ड की है। ठीक है, ब्रिक्स कंटेन ये मेंबर जो ब्रिक्स के मेंबर कंटेन होते हैं कंट्री, वो कौन कौन सी है? तो ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका। तो दीज मेंबर जब एक साथ जुड़ते हैं तो इन्हें हम ब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर्स हो गए? दैट इज़ ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रसिया एंड साउथ अफ्रीका। और जो अभी करेंटली प्रेसिडेंसी किसके पास है? रसिया के पास। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट स्टेट विच डिक्लेयर द इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो इंटरनेट सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, ये किस स्टेट ने पहली बार डिक्लेयर किया है? तो ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड, दैट इज़ केरला। तो केरला पहला स्टेट बना है जिन्होंने डिक्लेयर किया है इंटरनेट को एज अ राइट ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो करेक्ट आंसर है इसका केरला। तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बना केरला। बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ स्पीच। तो पहला राज्य बना केरला, और केरला पहला राज्य है जिसने फंडामेंटल राइट्स दिया इंटरनेट को एज अ सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ FASSI। FASSI का नया CEO कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन थर्ड, डेट इज़ अरुण सिंघल। ठीक है, तो अरुण सिंघल नए CEO हैं। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके FASSI के। तो FASSI की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FASSI की फुल फॉर्म है आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट किसको किया गया है? तो उनका नाम है मिस्टर अरुण सिंघल। ठीक है, अरुण सिंघल नए CEO होंगे आपके FASSI के। ठीक, नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच पोजिशन द विराट कोहली इज़ प्लेस्ड इन द फोर्ब्स टॉप्स 100 पेड एथलीट 2020 लिस्ट। तो फोर्ब्स की टॉप 100 पेड एथलीट जो 2020 में लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें विराट कोहली का कौन सा प्लेस्ड है? ठीक है, तो विराट कोहली जो प्लेस हैं वो एट 66 पोजिशन। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो दैट इज़ ऑप्शन फोर्थ, 66। तो 66 पोजीशन में विराट कोहली प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो 66 पोजीशन में विराट कोहली प्लेस्ड हैं। तो विराट कोहली जो इंडियन टीम के करंटली इंडियन टीम के कैप्टन हैं, और जो ओनली इंडियन एक अकेले इंडियन खिलाड़ी हैं और ओनली क्रिकेटर भी हैं जो इस लिस्ट में आए हैं। ठीक है, टॉप 100 में इस लिस्ट में आए हैं वो ओनली इंडियन है और ओनली क्रिकेटर, एक अकेले क्रिकेटर और अकेले भारतीय हैं। ठीक है, जो इस टॉप 100 लिस्ट में आए हैं, तो इसकी रैंक क्या है? 66 पोजीशन में वो रैंक है। दो एस्टिमेट अर्निंग हुई थी विराट कोहली की जो अराउंड $26 मिलियन लगाई गई है, उसमें से अराउंड जो $24 मिलियन हैं वो आपके उन्होंने एडवर्टीजमेंट के द्वारा कमाए गए हैं, जैसे एड्स के द्वारा कमाए गए हैं, और जो $2 मिलियन हैं उनकी सैलरी और विनिंग प्राइजेस से उनको मिले हैं। ठीक है, तो एस्टिमेट कितनी हो गई? $26 मिलियन, उसमें से आपको $24 मिलियन उन्हें बाय द
एडवर्टीजमेंट से अर्न हुए हैं और $2 मिलियन उनकी सैलरी और विनिंग प्राइजेस से अर्न हुए हैं, ठीक है। तो $26 मिलियन उन्होंने कमाए हैं और उनकी पोजीशन है 66th position, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्रिकेटर हु वॉज अपॉइंट नॉमिनेट एज अ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए किस क्रिकेटर को BCCI ने नॉमिनेट किया है, ठीक है, कौन से क्रिकेटर को नॉमिनेट किया है। तो जो उसका करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन सेकंड, डेट इज़ रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए क्या करा है आपका, नॉमिनेट किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रोहित शर्मा है। इसके अलावा BCCI ने आपका शिखर धवन, दीप्ति शर्मा, ईशान शर्मा फॉर द अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है। तो रोहित शर्मा को किसके लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और शिखर धवन, दीप्ति शर्मा एंड ईशान शर्मा को अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो दीप्ति शर्मा फीमेल क्रिकेटर है, ठीक है, फीमेल क्रिकेटर। तो शिखर धवन, ईशान शर्मा और दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड एंड रोहित शर्मा को आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द न्यू MD ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए MD कौन है, ठीक है, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थर्ड, तो पी आर जयशंकर इसके नए MD होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थर्ड, PR जयशंकर। सो PR जयशंकर अपॉइंटेड एज अ न्यू MD ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, दैट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के नए क्या चुने गए, MD चुने गए फॉर द 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए चुने गए हैं, ठीक। तो इसका PDF का लिंक जैसे हमने आपको बताया, तो PDF आपको हमारे WhatsApp ग्रुप में अवेलेबल होगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ हमारे WhatsApp ग्रुप के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेयर विच प्लेज द फर्स्ट पोजीशन इन द टॉप 100 पेड एथलीट 2020। तो फ्रॉप्स की तो टॉप 100 पेड एथलीट 2020 की लिस्ट आई है, जिसमें हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि विराट कोहली नंबर 66 पोजीशन में। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन एथलीट है, कौन सा एथलीट फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में जो एथलीट है दैट इज ऑप्शन थर्ड, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर आपके हाईएस्ट पेड एथलीट में नंबर फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा रॉजर फेडरर। तो ये टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर लिस्ट टॉप, इस लिस्ट को उन्होंने टॉप किया है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इस लिस्ट को टॉप किया है विथ अराउंड अर्निंग कितनी है, 106.3 मिलियन डॉलर, ठीक है, US डॉलर होंगे, ठीक है। तो US डॉलर में इनकी अर्निंग है। तो टेनिस प्लेयर है, इन्होंने पहली बार इस लिस्ट को टॉप किया है। ही प्लेज एट फोर्थ पोजीशन इन 2019, तो 2019 में फोर्थ पोजीशन पे थे 2019 की लिस्ट में। तो इस बार उन्होंने 3 पोजीशन का जंप लिया है, ठीक। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैंड एट सेकेंड पोजीशन विद अराउंड $105 मिलियन USD। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपके सेकेंड पोजीशन में है, ठीक है, सेकेंड पोजीशन में अराउंड $105 मिलियन इन्होंने इस साल की कमाई है, ठीक है। जो तीसरे नंबर पर हैं वो आपके क्या हैं, आपके लियोनेल मेसी। तो मेसी आपके तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 2019 के ये टॉप पर थे। तो 2019 के क्या थे, टॉपर थे। इन्होंने इस बार अपनी लिस्ट क्या आपकी अपनी रैंक ड्रॉप की है, तीसरे पोजीशन में पहुंचे अराउंड 104 मिलियन US डॉलर के, ठीक है। तो इतनी अर्निंग थी। तो चौथे नंबर पर आपके कौन है, चौथे नंबर पर आपके नेमार जूनियर हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे, उनके मैंने आपको उनकी रैंकिंग बता दी। तो पहले रैंकिंग में आपके रॉजर फेडरर, दूसरी में आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे में लियोनेल मेसी एंड चौथे पर आपके आपके नेमार जूनियर हो गए, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अ वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे। तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट जून। तो 1 जून को यह डे बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जून को एवरी साल ये 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी एक खास बात यह है कि जो वर्ल्ड मिल्क डे है उसका एक स्पेसिफिक थीम इन द वर्ल्ड, हर वर्ल्ड के लिए एक स्पेसिफिक थीम नहीं होती है, ठीक है। तो इस जो हम मिल्क डे बनाते हैं, तो वर्ल्ड मिल्क डे बनाते हैं, उसकी अलग अलग कंट्री, अलग अलग गवर्नमेंट या कोई भी NGO द्वारा बनाया जाता है, तो उनका कोई क्या कहते हैं, हाँ हमने इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं थीम। तो कोई वर्ल्ड थीम अप्लाई नहीं होती इसमें, सब कंट्री, सब NGO या कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको कराती है फंक्शन को, तो उसकी अलग अलग थीमों रख सकती है, कोई एक डिफाइंड थीम नहीं होती है, ठीक है। तो जो
2019 में जो इंडिया की थीम थी वो थी आपकी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। तो 2019 में इंडिया की थीम क्या थी इसके लिए, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, डे जो ये पहला दिवस जब बनाया गया ये सेलिब्रेट किया था 2001 में अक्रॉस ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने ये दिवस पहली बार बनाया गया था। तो किसने इसको 1 जून को सेलेक्ट किया गया था कि इस दिन ये बनाया जाएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सेलेक्ट किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने इसे सेलेक्ट किया था कि हम वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून 2001 से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और 1 जून को ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DPIIT, ठीक है। तो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज FDI इज इंक्रीज हाउ मच बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो जो रिपोर्ट दी है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, तो कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020 में, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन आपका थर्ड, दैट इज 73.46 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इतना ईयर इंक्रीज हुआ अराउंड इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज 73.46 बिलियन डॉलर। द टोटल तो कितना है, जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट हुआ है इस साल वो 2019-2020 ईयर से अराउंड 18% इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। तो 80% इंक्रीजमेंट हुआ है इस साल, ठीक है। तो ये जो हाइक है सबसे चौथी सबसे बड़ी हाइक मानी जाती है अभी तक FDI में, सबसे ज़्यादा हाइक चौथी है, सबसे ज़्यादा हाइक है, ठीक है। तो FDI क्या हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट आपकी FDI की फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये अराउंड 18% इंक्रीज़ हुआ है इस साल, और कहाँ तक 18% इंक्रीज़ हो गया, अराउंड पहुँच चुका है 73.46 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द केरला गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द प्रोजेक्ट दैट इज KFON। तो KFON केरला गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें वो हमने पुअर फार्मर्स या पुअर पीपल्स को फ्री इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो फिर इस प्रोग्राम में ये KFON है क्या, इसका मतलब क्या है KFON का, ठीक है। तो KFON का जो मतलब है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डेट इज़ ऑप्शन फोर्थ होगा, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क्स। क्या होगा, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो जो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन फोर्थ, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क्स, ठीक है। तो केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क्स का करेक्ट आंसर है। जो एम है इस प्रोजेक्ट का, इस एम किस एम से स्टार्ट किया है, तो एम है जो आपके केरला में जो पुअर पीपल है इनको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाए एट वेरी लो कॉस्ट, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है उसको वेरी लो कॉस्ट में अफोर्ड किया जाएगा और पुअर पीपल को फ्री इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा। जो एस्टिमेट कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की, जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो अराउंड 1500 करोड़ रुपीज़ है। तो 1500 करोड़ रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और अफोर्डेबल रेट्स में अदर पीपल को भी प्रोवाइड होगा और फ्री कॉस्ट रेट में पुअर पीपल को प्रोवाइड होगा ये रेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें हमें आपको कैसी लगी है वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि अपकमिंग जो हम नए डेली करंट अफेयर्स इस वीडियो लाएंगे तो उन्हें आप मिस ना कर पाए। तो उसके लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।